नमस्ते। टुम्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ टुम्पा। आज हम आप लोगों को मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच रेसिपी दिखाऊंगे। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जो लोग थोड़ा हेल्दी खाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। ये मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है। ये हम घर पर आसानी से बना सकते हैं, तो आप मेरी रेसिपी को देखिए और घर पर बनाइए। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं ये। आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, मुंबई का लोग ये खाने में बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए देखते इसके लिए क्या क्या चाहिए। 2 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, इसको मैंने मैश करके रखा। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा सरसों, नमक हमको स्वाद अनुसार यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने काला नमक लिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा होममेड मसाला। ये मसाला धनिया, जीरा, सौंफ और सूखा मिर्च रोस्ट करके बनाया जाते हैं, ये मैंने घर पे बनाया। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा करी पत्ता, 2 चम्मच तक बटर, 4 स्लाइस ब्राउन ब्रेड लिया। रास्ते में आपको व्हाइट ब्रेड मिलेगा जो कि मैदे से बनते, मैं घर पे ही बना रही हूँ इसलिए थोड़ा हेल्दी तरीके से बना रहे, इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिया। टॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा सेव, सब्जी में मैंने थोड़ा सा टोमेटो, कैप्सिकम, ककड़ी, बीट, गाजर और थोड़ा सा प्याज लिया। देखिए सारे सब्जी को मैंने ऐसे पतला और गोल गोल करके कट के रखा, ये देखिए। थोड़ा सा ग्रीन चटनी, ये भी घर पे बना हुआ है, इसमें पुदीना, धनिया, अदरक, मिर्च और नींबू का रस डाल के बनाया। सबसे पहले हम आलू को थोड़ा मसाले से पकाएंगे। तो चलिए मैंने गैस को ऑन किया, गैस के ऊपर एक फ्राई पैन रख दिया, फ्लेम को मीडियम में रखते फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म होने देते। फ्राई पैन गर्म हो गया, अभी हम इसके अंदर ही ऑयल डाल देते, ऑयल को भी थोड़ा सा गर्म होने देते। ऑयल गर्म हो गया, अभी इसके अंदर हम ये सरसों डाल देते, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा भून लेते। अभी इसके अंदर ये मैश किया हुआ आलू डाल देते, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा होममेड मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और ये हल्दी पाउडर डाल देते। अभी इसको अच्छे से मिला लेते। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया। अभी इसके अंदर ये धनिया पत्ते भी डाल देते, इसको भी अच्छे से मिला देते। फ्रेश धनिया पत्ता डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा खुशबू आता है। देखिए मेरा आलू मसाला रेडी हो गए, अभी हम गैस को बंद कर देते। आलू मसाले को गैस से उतर के एक प्लेट में निकल लेते, थोड़ा सा ठंडा होने देते। चलिए मेरा आलू मसाला ठंडा हो गया, अभी हम सैंडविच बनाने के लिए रेडी करते। तो मैंने 4 स्लाइस ब्रेड लिया, इसमें से हम 2 सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले मैं ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे, अभी इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। अभी इसके ऊपर हम ये आलू मसाला डालेंगे।
मैंने इसे हाथ से स्प्रेड कर दिया। देखिए आलू को भी रख दिया, इतना बचा है, ये आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी एक एक करके हम इसके ऊपर सब्जी को रखेंगे। ये टोमेटो, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल देते। इसके ऊपर भी ककड़ी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते, थोड़ा सा होममेड मसाला, मीट, कैप्सिकम, गाजर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। ये होममेड मसाला। अभी प्याज रख देते हैं। चलिए ब्रेड में भी हम बटर लगा लेते हैं। ग्रीन चटनी, और इसके ऊपर रख देते हैं। ऐसे करके हम दूसरे को भी बटर लगा लेते हैं। ग्रीन चटनी भी लगा लिया, अभी इसके ऊपर भी रख देते हैं हम। अभी हम इसको ये टोस्टर में डाल के पकाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर लगाने से ये जो सैंडविच रखेंगे हम इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। ये देखिए इसके अंदर रख दिया। अभी ये साइड हम नहीं लगा सकते, तो अभी क्या करेंगे आप, ये ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे। अभी इसको बंद कर देते। अभी हम गैस को ऑन करते और इसको धीमी आंच में पकाएंगे। फ्लेम ज़्यादा रहेगा तो जल सकते। धीमी आंच में पकाने से सब्जी भी अंदर से अच्छे से सॉफ्ट होएगा। अभी हम एक मिनट तक एक तरफ सेक लेंगे। एक मिनट होने के बाद हम इसको पलट देंगे। थोड़ा चेक कर लेते इसको, देखिए नहीं हुआ। अभी इसको भी पलट देते। हम ब्रेड को क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आपको मुंबई में कोने कोने में ये सैंडविच का दुकान मिल जाएगा। चलिए अभी देख लेते मेरा सैंडविच हुआ क्या नहीं। ये देखिए इस तरफ पक गए। अभी दूसरी तरफ भी चेक कर लेते। ये देखिए अभी हम गैस से उतर के इसको एक प्लेट में निकाल लेते। अभी दूसरों को भी सेम तरीके से सेक लेते। कर देते हैं अभी।
ऐसे धीमी आंच में एक मिनट तक रख देते। ये कितना क्रिस्पी है, चलिए देख लेते ये भी हुआ क्या नहीं। ये देखिए इस तरफ भी हो गए। अभी हम गैस को बंद कर देते, इसको भी हम वही प्लेट पे निकाल लेते। ये देखिए मेरा सैंडविच रेडी हो गया, अभी हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दिया। थोड़ा सा हरी चटनी, अभी इसके ऊपर सेव डाल दिया, थोड़ा सा सॉस डाल देते। ये देखिए मुंबई का स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच रेडी है। ये बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, तो आप लोग घर पे इसको बनाइए और अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज यहाँ पर एंड करते, मैं आगे भी आऊँगी आप लोगों के पास मेरा नया रेसिपी लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।